डेटा स्ट्रक्चर के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग के द्वारा पूछा गया था कि पोस्टफिक्स कुछ और एग्जांपल के साथ समझा दीजिए, तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर आए हैं। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है आप लोग का जो इनफिक्स नोटेशन में है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हमारा क्वेश्चन है a माइनस बी स्लैश, और यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस है c एस्टेरिक d कैप e, यानी इस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रिसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स पे हमेशा फोकस करना है। अगर आपको प्रिसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का नॉलेज नहीं है तो ऑलरेडी इस पॉइंट पे हमारा वीडियो बना हुआ है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑपरेटर है माइनस है, स्लैश है, एस्टेरिक है, कैप है, और एक पैरेंथेसिस है। यानी पैरेंथेसिस जब भी आपको दिखे तो ध्यान दीजिएगा कि पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का ब्रेसेस और ब्रैकेट नहीं है, तो इस केस में पैरेंथेसिस का ही प्रायोरिटी आप लोग का बाकी ऑपरेटर से ज़्यादा होगा। तो अब पैरेंथेसिस में देखेंगे कि जो ऑपरेटर है उसमें से किसका प्रिसिडेंस ज़्यादा है, तो एस्टेरिक का या कैप का। तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा उस से रिलेटेड ऑपरेंड को आप पैरेंथेसिस में डालेंगे, यानी पैरेंथाइज करेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग क्या किए, डी और ई को एक और पैरेंथेसिस इंसर्ट किए, और जिसका आप पैरेंथेसिस कर रहे हैं, पैरेंथेसिस के इनसाइड कर रहे हैं, उसको सबसे पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी स्लैश, ये तो पैरेंथेसिस पहले से था, सी एस्टेरिक, और यहाँ पर से अगर हम डी और ई को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं डी ई कैप और एक पैरेंथेसिस इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे कि डी ई कैप जो हमारा है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया, उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। डी ई जो कैप है उसको हम लोग क्या करें, मान लेते हैं पी है, ध्यान दीजिएगा लिखने में। अब उसके बाद डी ई के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पी यूज करेंगे। तो ए माइनस बी स्लैश और ब्रैकेट ये रहने देंगे, पैरेंथेसिस सी एस्टेरिक, और उसके बाद डी ई कैप के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, पी यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर वन टू एंड थ्री ऑपरेटर्स है, लेकिन एक ऑपरेटर फिर आप लोग का क्या है, पैरेंथेसिस में। तो जो पैरेंथेसिस में है और उसके साथ दो ही ऑपरेंड है, अब इसको पैरेंथाइज करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग क्या कीजिए, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। और इसका पोस्टफिक्स क्या हो जाएगा, ए माइनस बी स्लैश सी पी एस्टेरिक। तो सी पी एस्टेरिक हमारा क्या हो गया, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर आप लोग उसको एज्यूम कर लीजिए सी पी एस्टेरिक इक्वल टू क्यू, और सी पी एस्टेरिक की जगह पर आप लोग क्या कीजिएगा, क्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ए माइनस बी स्लैश ये पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा, क्यू। अब आपके पास दो ऑपरेटर है, एक माइनस है और एक डिवीजन का स्लैश है। अब इसमें देखेंगे प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, जिसका प्रायोरिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथाइज कर लेंगे और इसका पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्यू स्लैश, ये हमारा क्या हो गया, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर से एज्यूम करेंगे बी पी पी सॉरी बी क्यू, बी क्यू स्लैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल्स, पी क्यू के बाद हमारा क्या होता है, आर होता है, तो आर ले लेते हैं, और इसको यहाँ पर पुट करते हैं ए माइनस आर। तो ए माइनस आर जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो हमारे पास अब कितना ऑपरेटर बच गया, एक ही ऑपरेटर बच गया है माइनस, इसको पैरेंथाइज कीजिए और इसका आप लोग लिख सकते हैं पोस्टफिक्स क्या हो जाएगा, ए आर माइनस। तो यहाँ पर ए आर माइनस आ गया, चूँकि हमारे एक्सप्रेशन में सिर्फ ए बी सी डी ई है। अब क्या करेंगे, जो हम एज्यूम किए थे
उसको यहाँ पर से धीरे धीरे एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी पुट करेंगे और इक्वेशन को हम ओरिजिनल फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है ए आर, तो देखिए आर जो है आर हमारा किसके इक्विवेलेंट है, तो बी क्यू स्लैस का, तो ए तो आप लोग का ज्यों का त्यों रह जाएगा और यहाँ पर से हो जाएगा बी क्यू स्लैस, स्लैस लिखने के बाद क्या है हमारा माइनस साइन है तो माइनस साइन रहने देंगे। अब ए बी तो हमारा एक्सप्रेशन का है, क्यू को हम एज्यूम किए थे तो क्यू को क्या करेंगे यहाँ से रिड्यूस करेंगे और क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे सी पी एस्टेरिक, यानी ए बी क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा सी पी एस्टेरिक और बाकी क्या ऑपरेटर बचा था, ये दो ऑपरेटर है स्लैस और माइनस। अब हमारे पास पी, पी भी हमारा क्या है एज्यूम किया हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में पी को भी रिड्यूस करेंगे और पी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे डी ई कैप, तो ए बी और सी हमारा जो वैल्यू एक्चुअल था पी के जगह पर क्या लिखेंगे डी ई कैप और बाकी यहाँ पर देखिए थ्री ऑपरेटर बचा हुआ था एस्टेरिक स्लैश माइनस। तो इस तरह से हमारा जो ये एक्सप्रेशन आया ये हमारा किस में आया पोस्टफिक्स में आया, यानी हमारा जो एक्सप्रेशन इनफिक्स में था वो हमारा क्या हो गया पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं तो फिर एक नए क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।